तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की हमारी जो टॉपिक होने वाली है, आज हम बताएंगे आपको वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ठीक है, यानी कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर पर लोड डालते हैं तो उस समय ट्रांसफार्मर की जो फेजर डायग्राम होती है वह किस प्रकार ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, ये हमारा है ट्रांसफार्मर का कोर होता है। अब इसमें ये हमारी प्राथमिक साइड होती है ये वाली, और ये जो होती है दूसरी साइड होती है। इसमें प्राथमिक साइड में यन टर्न होते हैं और द्वितीयक साइड कुंडली में हमारे यन टू टर्न होते हैं। इसमें यन वन होता है, इसमें यन टू होता है। और प्राथमिक साइड जो इसके इन दो टर्मिनलों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी वन होगा, और दूसरी साइड वहीं यहाँ पर जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वह वी टू हो जाएगा। और यहाँ पर वी वन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी आई वन, इसके कारण यहाँ पर ड्रॉप होगा। जो दो ड्रॉप होते हैं यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस के कारण, एक होता है रिएक्टेंस के कारण। ठीक है, इसके कारण जो रेजिस्टिव ड्रॉप होता है और एक होता है रिएक्टिव ड्रॉप होता है। अब यहाँ पर जो फ्लो करंट फ्लो होगी यहाँ तक, तो आई वन हमारी क्या होगी, फ्लो होगी आई वन। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा, या ये यहाँ पर आएगा, ये करंट दो भागों में बढ़ती है। एक तो हमारा हो जाता है आई नॉट, जो यहाँ पर है इसमें फ्लो हो जाती है, और जो दूसरी हो जाती है ये हमारी चली जाती है प्राथमिक साइड कुंडली में चली जाती है, जो हमारा आई वन डैश होती है। और यहाँ पर यही हमारी जो आई वन डैश है वह यहाँ से फ्लक्स जनरेट करेगी। फ्लक्स के कारण यही हमारी यहाँ पर फ्लो होने लगता है आई टू के रूप में। ठीक है, यानी कि जो हमारा आई वन डैश है और आई टू है इसके बीच फेज डिफरेंस होता है हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, और जो यहाँ पर आई नॉट फ्लो होता है ये हमारा है, ये हमारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसे जो होता है लॉस होता है आई नॉट। ये करेंट तभी फ्लो होती रहेगी जब हमारा इधर इस साइड कोई लोड ना जुड़ा हो, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से लॉस वाला करंट होता है। यह करंट भी दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो हमारा रेजिस्टिव में जो ड्रॉप होता है जो उसमें चला जाता है, जिसे हम कॉपर लॉस बोलते हैं, ये हमारा कॉपर लॉस में चला जाता है, और ये हमारा कोर लॉस में चला जाता है जो आई म्यू है। आई म्यू है ये हमारा कोर लॉस में चला जाता है। कोर लॉस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा ईडी करंट लॉस होता है, और जो दूसरा होता है वह होता है हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो ये जो करंट आई म्यू है, आई म्यू के कारण ही इसमें इस कोर में फाई एम जनरेट होता है, और वहीं इस कोर में फ्लो करती रहती है, जिसके कारण जब हमारा फाई एम फ्लो होगा उसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एन वन फेरे हैं, इस फेरे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, ई वन ई एम एफ क्या होगा, इंड्यूस होता है, जो जो हमारा वी वन के 180 डिग्री फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, इसलिए वी वन बराबर होता है, वी वन बराबर हो जाता है माइनस का ई वन। अब इधर साइड बात कर लेते हैं, यही हमारा फाई वन होता है, पूरे हमारा जो कोर होता है उसमें कांस्टेंट रूप से गति करता रहता है। इसके कारण यहाँ पर एन टू टर्म होंगे, जिसके कारण यहाँ पर ई टू ई एम एफ इंड्यूज होता है, और यही ई टू ई एम एफ यहाँ पर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर ड्रॉप होगा, और यहाँ पर रिएक्टेंस के कारण भी यहाँ यहीं पर ड्रॉप होगा, तब जाकर यहाँ पर वोल्टेज हमारा वी टू प्राप्त होता है जो हमें लोड पर मिलता है। ठीक है, इसी के कारण जो हमारा वी टू है ई टू से क्या करता है, कुछ पीछे रह जाता है, यानी कि ई टू वी टू से हमेशा अधिक होता है, यानी कि वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ रास्ते में कुछ ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे हमारा आई वन आर टू आई टू आर टू हो गया, आई टू एक्स टू हो गया, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे ड्रॉप ही है। तो है इसी कारण जो फाइनली होता है ई टू अधिक होता है वी टू से। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब अगर हम इनपुट साइड के वेल लगाएं और आउटपुट साइड के वी एल लगाएं, के वी एल तो हमारे दो फार्मूले यहाँ पर बनते हैं। एक तो हमारा वी वन बराबर हो जाएगा आई वन आई आर वन प्लस जे आई वन एक्स वन प्लस का प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का
ई1, और जो दूसरा हमारा समीकरण इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा E2 इक्वल टू, यहाँ से E2 इक्वल टू हो जाएगा I2R2, और प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा J X2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा V2 जो हमारे लास्ट में प्राप्त होता है। यही यही जो फार्मूले हैं इन्हीं दोनों का हम उपयोग करके हम कैपेसिटिव लोड के लिए हम यहाँ पर फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम अब उससे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैंने पहले से जो बेसिक वाले होते हैं उसे हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। तो सबसे पहले बात आती है इस फाइम की, फाइम जो होता है एक नियत वोल्टेज और एक नियत फ्रिक्वेंसी पर जो होता है फाइम कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो यहीं से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट वाला यहाँ पर ड्रॉ किए थे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने या आप लोगों को डिस्कशन किया था। ये हमारा क्या होते हैं, ये मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, चाहे हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड में हो चाहे लोड में हो, ये बेसिक से ये बेसिक चीज़ें तो होते हैं, इतना तो खींचना ही पड़ता है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो E1 और E2 है फाइम के कारण ही तो उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर फाइम फ्लो होगा तभी तो हमारा E1 और E2 जो होगा EMF इंड्यूज होंगे। तो ठीक है, यानी कि हमारा जो फाइम हो रहा है यहाँ पर फाइम जो होगा वह लीड करेगा, कितना लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, किससे, E1 E2 से फाइम लीड करेगा 90 डिग्री। तो ये यहाँ से अगर जाएँ क्लॉकवाइज तो यहाँ पर क्या पहले मिल रहा है फाइम, यानी कि फाइम हमारा लीड कर रहा है E1 और E2 से, यहाँ तक ठीक। अब हम यहाँ पर अगर E1 यहाँ है E2 यहाँ है तो हम E1 को इस तरफ क्यों दिखाए हैं, बात अगर यहाँ आती है तो इसलिए हम दिखाते हैं इधर, क्योंकि अगर हम चित्र तो हमारा इधर ही दोनों बनेगा, E1 और E2 के लिए हमारा चित्र हमारा इधर ही बनेगा। कि अब यहाँ पर अगर इधर बनेगा तो हमारा जो चित्र होगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा। इसी के देखते हुए हम क्या करेंगे, E1 को विपरीत साइड टर्न कर देते हैं और इसका जो चिन्ह है उसको बदल देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही यहाँ पर विपरीत साइड माइनस का E1 हो जाता है। अब यहाँ तक ठीक हो गया। अब ये तो मैंने बताया हुआ था आई नाट, इसको जो आई म्यू के कारण जो होता है फाइम उत्पन्न होता है, तो इस पर रहेगा आई म्यू और इधर साइड होता है IW, इधर साइड IW होता है, तो इसको बढ़ाएंगे तो आई नाट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर आई नाट कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब जो है ट्रांसफार्मर की अगर सेकेंडरी साइड देखें तो यहाँ पर हम कैपेसिटिव लोड को मैंने लगा रखा है। अब यहाँ पर इसे कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर भी कहते हैं इसे, हम लीडिंग अगर क्वेश्चन पूछ भी से देता है लीडिंग पावर फैक्टर का वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो कैपेसिटिव लोड का ही हम यहाँ पर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर पूछेगा तो हम कैपेसिटिव लोड वाला फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर हमारा पूछेगा यूनिटी पावर फैक्टर पूछता है तो यूनिटी पावर फैक्टर वाला रेजिस्टिव लोड का होता है, इसका हम फिगर यहाँ पर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो दोनों हम फाइनली यहाँ इसी वीडियो में हम इसका इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, अब यहाँ सेकेंडरी साइड देखें तो सेकेंडरी साइड क्योंकि हमारा कैपेसिटिव लोड जुड़ा हुआ है, कैपेसिटिव लोड में कौन आगे चलता है, करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो कौन लीड करता है, करंट, करंट जो है लीड करता है किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री। तो उससे पहले अब हमारा जो यहाँ पर सेकेंडरी साइड कौन होगा सबसे आगे, I2 होगा, अगर देखें कैपेसिटिव लोड में I2 सबसे पहले होगा, और I2 कहाँ से उत्पन्न होगा, E2 के कारण। तो E2 क्या करेगा, E2 से I2 लैग करेगा, E2 से जो होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा I2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I2, ये हो गया I2, ठीक है, I2 गया, यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर ऐसे हम जाएं तो
तो ये हमारा जो हमारा हमारा E2 हो रहा है, E2 हमारा लीड कर जा रहा है। अब क्या होता है कैपेसिटी लोड में, E2 से जो होता है हमारा वोल्टेज होता है वो अभी हमारा क्या करता है, लैग करता है, यानी कि पीछे रहता है। तो पीछे रहने का मतलब है तो यहाँ हमारा वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, जो होगा हमारा V2। ये हो गया हमारा, ये V2 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हमारा V2, यहाँ तक V2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम देखेंगे, अब V2 जो हमारा है यहाँ से लेंगे V2, ठीक है। V2 ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा है सेकेंडरी साइड I2 R2, ये भी हमारा क्या है, वोल्टेज है, ये भी हमारा वोल्टेज है। अब यह किसके कारण है, I2 के कारण है, इसलिए हम इसको भी जोड़ेंगे वोल्टेज में ही, लेकिन किसके फेज में हम जोड़ेंगे, I2 के फेज में, यानी कि जो हमारा I2 है, जिस फेज में हमारा I2 रहेगा उसी फेज में हम I2 R2 को भी हम उसी फेज में हम जोड़ेंगे। तो ये है हमारा I2। अब इसी के हम फेज में हम जोड़ देंगे यहाँ पर I2 R2। तो ये हो गया हमारा I2 R2, ये हो गया हमारा I2 R2। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा अब बचा है J I2 X2। अब J I2 X2 रिएक्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप है J लगा है, J यहाँ पर ऑपरेटर है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था J के बारे में, ये हमारा ऑपरेटर काम करता है J, इसलिए हम रिएक्टेंस के लिए हम J का इस्तेमाल करते हैं। अब I2 X2 होता है, अब ये हमारा रिएक्टेंस, रिएक्टेंस में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है, करंट करंट लीड करता है, करंट क्या होता है, लीड करता है, यानी कि अगर हम ऐसे खींचे तो हमारा करंट क्या होगा, लीड करेगा। तो हम इस 90 डिग्री के ही फेज में कुछ यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा I2 X2, ये हो गया I2 X2। अब ये जहाँ पर हमारा इस लाइन को, इस इवन वाले लाइन को कट करेगा, वहीं पर हमारा हो जाएगा E2 हो जाएगा, जो मैंने पहले से लिख चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर हो जाएगा I2 X2। तो ये मैंने जो आउटपुट साइड का डायग्राम होता है यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है इवन ईवन डैश जो होता है, यहाँ पर इनपुट प्राथमिक कुंडली में यही यही तो फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यही हमारा फाइम के कारण कहाँ कहाँ पहुँच रही है, E2 पर, I2 फ्लो हो रही है। अब तो जो हमारा I2 होगा, I2 के ठीक 180 डिग्री पीछे, 180 डिग्री पीछे जो होगा हमारा यहाँ पर I1 डैश होगा, यहाँ पर होगा जो हमारा I1 डैश होगा, एकदम सीध में रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा I1 डैश, I1 डैश, ये हो गया हमारा I1 डैश। अब इसको हम यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको भी खींच लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से I0 को। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। अगर तो यहाँ से जो है इसके पैरेलल में यहाँ से हम लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से खींचेंगे कुछ इसके पैरेलल में, यहाँ से खींचेंगे इसके पैरेलल में, और ये जहाँ पर कट करेंगे ये दोनों, वहीं पर बनेगा हमारा I1। ये हो गया हमारा I1, ये क्या हो गया हमारा I1, I1 जो हमारा इनपुट करंट है I1, ठीक है। अब जो इनपुट साइड का वोल्टेज ड्रॉप है उसे हम
E1 में, यहाँ जो माइनस का E1 है इसमें हम जोड़ने वाले हैं। अब इनपुट साइड में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारा माइनस का E1। माइनस का E1 तो पहले से यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर चुका है इसे। अब बात बारी आती है I1 R1 की। अब I1 R1 जो है होगा वह भी क्या होगा, करंट के कारण ही होगा, यानी कि करंट के फेज में ही होगा ना। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से, इस करंट जो हमारा I1 होगा इसी के फेज में यहाँ पर ले जाएंगे और इसे हम ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा I1 R1 हो गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी है हमारा J I1 X1। तो J I1 X1 हमारा क्या है, रिएक्टेंस है, ये वाला रिएक्टेंस। तो ये वाला रिएक्टेंस, इसमें क्या होगा, करंट जो होगी, करंट क्या करेगी, लीड करेगी, करंट लीड करेगी। तो कुछ इस प्रकार से इसका भी डायग्राम बन जाएगा, कितना, 90 डिग्री। यानी कि अगर क्लॉकवाइज चलें तो जो हमारा ये पहले वाला वोल्टेज होगा ये लीड करेगा। अगर क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से चलें हम, तो ये हमारा क्या करेगा, लीड करेगा, ये I1 R1। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया I1 X1। ठीक है, अब जहाँ तक ये जाएगा वहाँ से हम इसे हम कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से हम मिला देंगे। ये बनकर तैयार हो गया हमारा फेजर डायग्राम। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, यही हमारा हो जाएगा V1, यही हमारा V1 कहलाएगा इतना। ठीक है, ये हमारे, हमने कैपेसिटी लोड के लिए फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब बारी आती है दूसरी, दूसरी जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर पहले से कर रखा हूँ, अब बारी आती है इसकी। इसे हम यूनिटी पावर फैक्टर डायग्राम भी कहते हैं, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पर वेक्टर डायग्राम खींचिए, तो कुछ इस प्रकार से उसका वेक्टर डायग्राम बनता है। इसके लिए तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है रेजिस्टिव लोड के कारण फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले होती है φm को ड्रा किया जाता है। तो φm को यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं, φm को कुछ इस प्रकार ड्रा कर लेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पिछले पीछे मैंने किया है। यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक पॉइंट होते हैं जिसे हमें ड्रॉ करना हर कंडीशन में ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक तो हो जाएगा हमारा E1, ये हो जाएगा हमारा E1, और इससे कुछ आगे हो जाएगा E2, यहाँ पर होगा हमारा E2, E2। इसकी विपरीत डायरेक्शन में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का E1, माइनस का E1 यहाँ तक खींच लेते हैं यहाँ पर माइनस का E1। और जो यहाँ पॉइंट आती है, यहाँ पर हो जाएगा Iμ होता है, और यहाँ पर जो फ्लो होता है IW फ्लो होता है। इसे जब मिलाएंगे आपस में, कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं, और इसे भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम मिला देते हैं, तो ये बनकर तैयार हो जाता है हमारा यहाँ पर I0। ये हो गया हमारा I0। ठीक है, सब कंडीशन वैसे ही है, बस एक स्थिति में यहाँ पर चेंज होगा इसमें, वह हम आगे बताएंगे आपको। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, जब हमारा लोड लगा रहता है रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड में आपने देखा होगा कि जो हमारा वोल्टेज एवं करंट होता है वह दोनों साथ ही साथ चलते हैं। यानी कि जब हमारा वोल्टेज करंट कुछ इस प्रकार चलते हैं, कुछ ऐसे होती है, अगर वोल्टेज और करंट जो होती है इसी लाइन पर ओवरलैप होती है, यानी कि दोनों के बीच वो फेज डिफरेंस जो होता है वो सेम ही होता है। इसलिए अब जो सेकेंडरी साइड होता है, सेकेंडरी साइड में यहाँ पर देखें, सेकेंडरी साइड में E2 जो होगा, E2 से इधर जो भी होगा वो लैग करेगा, E2 यानी कि लीड करेगा सबसे ना। तो यहाँ पर होगा
सबसे पहले करंट खींच लेते हैं, तो करंट जो होगा कुछ इस प्रकार से इससे लैग करेगा, किससे, E2 से। ये हो जाएगा हमारा I2। अब चूंकि वोल्टेज एवं करंट क्या होते हैं, एक ही फेज में होंगे, एक ही फेज में होने कारण, ठीक है, एक ही फेज में होने कारण जो हमारा यहाँ पर I2 R2 होगा, इसका I2 R2 इसी के फेज में होगा, जो हमारा I2 होगा इसी के फेज में हमारा ये भी हो जाएगा, इसलिए इसे इसी के फेज में यहाँ तक कुछ बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा I2 R2। अब यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर I2 X2 है, ये है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या करेगा, रिएक्टेंस जो होगा इस वाले से लैग करेगा, ठीक है, इस वाले से। अगर ऐसे हम जाएँ क्लॉकवाइज, तो ये हमारा I2 R2 लीड कर जा रहा है, लीड कर जा रहा है ना, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो लैग करना चाहिए कितना, 90 डिग्री का, तो ये हम इसे कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री लैग कर देंगे। यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें I2, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा E2, ठीक है, सॉरी E2 प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा I2 X2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो हमारा I2 है, I2 को हम विपरीत डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करेंगे, कुछ यहाँ तक, क्योंकि परिमाण हमारा सेम रहे, जितना जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होनी चाहिए। यहाँ तक बन गया हमारा I1 डैश, I1 डैश। अब I1 डैश को हम बढ़ाएंगे I0, जो हमारा I0 ई वाली है, ई वाली लाइन है, इसके पैरेलल में ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम इसके पैरेलल में यहाँ तक बढ़ाएंगे, अब इसको भी हम इसके पैरेलल में यहाँ तक ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ कट करेगा, तो जहाँ पर कट करेगा वहीं हमारा हो जाएगा I1, ये बनकर आ गया हमारा I1, यहाँ हो जाएगा हमारा I1, यहाँ हो गया I1, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो प्राथमिक साइड बात आती है, प्राथमिक साइड में वोल्टेज जो होते हैं, एक तो हमारा माइनस का E1 होगा, और इसी में क्या जुड़ेगा, इसी में जुड़ेगा I1 R1, I1 R1, वो भी किसके फेज में, जो हमारा I1 होता है इसी के फेज में। यहाँ से कुछ फेज ले लेते हैं, इसी के फेज में हमारा जुड़ेगा यहाँ पर I1 R1, इसी के फेज में हो जाएगा I1 R1, ठीक है। अब I1 R1 से यहाँ जे I1 X1 है, यह क्या करेगा, लैग करेगा। यानी कि अगर हम ऐसे चलें क्लॉकवाइज, तो ये हमारा I1 R1 जो हो रहा है लीड कर रहा है, यानी कुछ इस प्रकार से इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार से हम खींचेंगे। आप ये जानते रहिए, जो हमारा यहाँ पर I1 R1 होगा, इससे जो हमारा I1 X1 होगा, यह हमेशा लैग करना चाहिए, कौन, I1 X1, किससे, I1 R1 से। I1 R1 हमेशा लीड करेगा, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, I1 X1। अब जहाँ तक जाएगा उसके इनिशियल इनिशियल और यहाँ से तो फाइनल, और दोनों पॉइंट को, इनिशियल और फाइनल दोनों को हम मिला देंगे, कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा V1। इसको मिला देंगे, ये हो गया हमारा V1, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा रेजिस्टिव लोड, जिसे हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, इसका फेजर डायग्राम यहाँ तक बनकर तैयार हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारी वीडियो जो होती है समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है।
और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।